हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं हम लोग। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो याद रखें, लॉर्ड इरविन ने। अगला है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने की उपलब्धि में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। अगला है, किस विदेशी को कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विलियम बिडरमन। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। अगला, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? यह वेस्टर्न बेंस्टन चर्चिल ने। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हड़सन ने। अगला है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947। अगला, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अध्यक्ष अग्रेज थे? इनका क्या नाम है? जॉर्ज ड्यूले इलाहाबाद अधिवेशन ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। दूसरा था सर विलियम विडरवन, ये बम्बई अधिवेशन का अध्यक्ष था। अगला है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए ओ हूं। अगला है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। याद रखिए, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे कौन? फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला है, रिक्यू टिंग सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी। अगला है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त विस्तार। अगला है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफन आंदोलन में मिलेगा में मिला सहयोग। अगला है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी फिर से त्यागपत्र दिया था? ये थे शंकरन नायर। अगला है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रथम के पिसन पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 में। अगला है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943। अगला है क्वेश्चन, हालात की मजबूरी थी और महसूस किया गया कि जिसे
रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ये था रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। अगला है, 1857 में कांग्रेस साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने, सिखों ने। अगला है, ग्लेम सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इटली, इटली। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला है, 1919 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। अगला, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो ये था होम रूल आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 से के बाद से। अगला, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मार गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा का महल पुणे में। अगला क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अगला है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय ने। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886, 1893 और 1906 में। अगला है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहां और कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में 1905 में। अगला क्वेश्चन है, किसको स्वामी विवेकानंद ने श्रेणी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अज्ञ शिखा कहा? तो ये थे मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। याद रखिए, मार्गरेट नोबल को कहा था विवेकानंद ने श्रेणी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अज्ञ शिक्षा। अगला है, विभाजन करो जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जे कृपलानी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हूं को।
अगला है पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए तो ये थे जॉर्ज पंचम। अगला है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल रूम फील्ड जांच समिति का किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से अगला है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला है केशव चंद सेन से किस संगठन से थे? संगठन तो ये ब्रह्मा समाज की। अगला है आजाद हिंद फौज किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखिए शहनवाज खां, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल।